हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सो लास्ट क्लास में आयुष कहाँ तक हो गया था? एक्सक्यूज मी सर. यस सर, मुझे आपसे पूछना था कि ऐसे जो सम्स होते हैं जिनमें एलिमेंट कंसीडर करके सॉल्व करना होता है, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है. लाइक ऐसा रफ आइडिया लगता है एलिमेंट कंसीडर करने का, लेकिन आगे फिर प्रोसीड करने में प्रॉब्लम होता है. लाइक पेज नंबर 87 पे एक्सरसाइज 1 का जो 12th सम है, पेज 87 एक्सरसाइज 1 का 12th सम. यस हाँ सर, उसमें ऐसा रफ आइडिया आ रहा है कि लाइक वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट, फिर बाद में लेकिन प्रोसीड नहीं हो रहा है. This one we did, वो वाला क्या जो एक rotating rod है जो आपका circular portion से associated था, वही वाला है ना? Yes sir, axis के through pass होता है. Yes yes, वो ये वाला तो हमने अपन class में भी किया था ना? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा problem होता है, लेकिन मतलब ऐसे type के sums में proceed नहीं होता है. Yes yes, ऐसा मतलब और practice से ही आएगा, मतलब जहाँ पे ये this Newton's law से जो है, Newton's law circular motion से you must get idea की जो है varying situation है. So if it is a varying situation, तो जहां भी वेरी कर रहा है स्ट्रेस फोर्स वेरी कर रहा है स्ट्रेस वेरी कर रहा है स्ट्रेस वेरी कर रहा है तो जो है इलांगेशन फिर क्या होगा, हमें हर एलिमेंट फोर्स अलग अलग है तो इलांगेशन अलग अलग हो जाएगा. तो उस केस में वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन. वैसे इसमें स्पेसिफिकली इस सम में नहीं आया था क्या? ये सम में डाउट है क्या? नहीं सर, इस टाइप के सम्स में लाइक ये करेक्ट. ये एक्चुअली इरिडो का सम था. हाँ, ऐसे और अलग अलग बुक्स में जैसे बुकलेट पूरा कंप्लीट करो और एचसीवी और अलग, फिर उसके बाद जो है डीसी पांडे या संजय वगैरह भी करोगे ना, तो उसमें वी फाइंड डिफरेंट सम्स. अगर उस टाइप का कुछ अलग सम्स और कहीं मिल रहा है तो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इवन क्लास इलस्ट्रेशन मैंने काफी सारे लिए हैं अलग अलग ऐसे वेरिंग वाले. इनफैक्ट स्टार्ट 2-3 लेक्चर्स उसी में कर दिए थे कि वेरिंग वाले सम इंटीग्रेशन के. करेक्ट. जो है एस टी कैप नोट्स करके रिसेंटली मैंने ग्रुप में सेंड किया था, उसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं कोई क्या? एस टी कैप नोट्स वाला. या उसको टैग कर दो ना, टैग ही कर दो. यस ऐसे उसमें जो है गाइस पहला वो था ना क्या, उसका फर्स्ट पेज में क्या है गाइस? कैपिलरी ठीक है, आर सी इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी जो है द कैपिलरी ट्यूब राइट. यस, आर सी इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. यस, कैपिलरी ट्यूब कर देते हैं. चलो हाँ, अब जो है सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट उसी में है ना गाइस, ऑर्डर में ही है ना ये वाला पीडीएफ, उसके पहले वाला थोड़ा उधर हो गया शायद. इज दिस वन इज ऑर्डर ना, फर्स्ट के बाद सेकेंड पॉइंट ही है गाइस. यस सर. ओके ओके, सेकेंड वाला क्या है भाई बताओ? सो सेकेंड पॉइंट मींस द डिस्कशन. सेकेंड पॉइंट में यस हां, क्या भी वही है ना, कैपिलरी ट्यूब का ही है ना, वहां पर थीटा पॉजिटिव नेगेटिव. यस सर, अबाउट थीटा. फिर सेकेंड वाला भी तो वही है ठीक है. Third point. What is the third point?
जुरिन्स लॉ. ओके नहीं सेकंड वाला ये समझ में आया ना, सेकंड वाला जो मर्करी वहां पर ये हो रहा है डिप्रेस हो रहा है, कॉस थीटा नेगेटिव ना, उसमें उसमें जो है ये जो है ऊपर ऐसा आ जाता है. सेकंड पॉइंट यू वांट टू डिस्कस क्या सेकंड वाला पॉइंट? देखो सेकंड वाले पॉइंट में जो है सपोज यू टेक ये ऐसा ये ले लिया से दिस इज अ लिक्विड मर्करी सपोज. हां सर. यस. हां उसमें बीच में कुछ तो वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में भी दिया था और क्वेश्चंस भी थे हमारे होमवर्क में. हाँ मतलब वेटिंग मतलब वही है कि अगर लिक्विड राइज कर जाता है, राइज लिक्विड अगर सरफेस के अलावा राइज करता है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज वेटिंग ना, वेट्स द सरफेस जैसे कैपिलरी राइज. फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसमें जो है अगर एंगल एक्यूट है ठीक है तो लिक्विड ऐसा राइज कर जाएगा. वही ऐसा राइज इसमें राइज कर जा रहा है लिक्विड, मतलब ये क्या हो रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड से अट्रैक्टेड है मतलब उसको वेट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर देखो इसी में वही मर्करी के लिए यू विल सी दैट कि इसमें जो है ये जैसे मर्करी इसमें इमर्ज किया यू विल फील दैट कि यू विल सी दैट कि ऐसा मर्करी का शेप ऐसा आ जाता है तो उसमें राइज नहीं बेसिकली क्या ऑब्टेन होता है डिप्रेशन. तो दिस हाइट यहाँ पे ये तो एसेंट था यहाँ से यहाँ तक दिस वाज एच. अब यहाँ से जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक देयर इज अ डिप्रेशन एच. सो यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो है रादर देन गेटिंग अट्रैक्टेड टू द ग्लास मॉलिक्यूल्स ये उसे दूर भाग रहे हैं, इट इज नॉट वेट. हाँ अब इसमें जो है ये वाला राइज ये अंडरस्टूड ना गाइस, एक में फॉल होगा एक में राइज होगा. इसमें देखो क्या होगा ठीक है इसमें जो है कौन से फोर्सेस डोमिनेंट है यहाँ पर कोहेसिव द मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है अपने तरफ खींच के रख रहे हैं अंदर. हाँ तो ये फॉल होगा. यू वॉन्ट टू प्रूव दिस क्या जय एक्चुअली क्या पूरे इसको प्रूव करना है एच. नहीं सर एच को तो समझा मतलब लाइक व्हाई विल इट फॉल लाइक वही रीजन नहीं पता. तो अब ये बताओ कि ये जैसे नॉर्मल ये था तो यहाँ पर ऊपर क्यों उठ रहा था बिकॉज ऑफ विच फोर्सेस वाज राइजिंग अप एडहेसिव फोर्सेस एडहेसिव डोमिनेंट थे एज कंपेयर टू कोहेसिव. यस सर. और इस केस में जो है क्या हो रहा है कोहेसिव डोमिनेंट है तो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच लिए हैं और यस सर तो इसमें यहाँ पर ये फॉल हो रहा है. द सेकंड मर्करी राइट सेकंड वाला इज मर्करी इसको वी कैन प्रूव आल्सो. सो एक बार कर सकते हो क्या? हाँ एक बार प्रूव कर सकते हो क्या? वो मैं ट्राई कर रहा था ऑन ही रहा ओके 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 वन मिनट सी चलो इसमें जो है गाइस एंगल ऑफ कांटेक्ट सर हम लोग ये सारे पॉइंट्स नोट कर ले क्या बुक नोटबुक में? यस सर. हाँ ये पूरा नोट करते जाना है. फर्स्ट पॉइंट तो अलग कर रहे हैं ना. हाँ सर. सेकंड वो वाला पॉइंट्स मैं डिराइव करते जाऊंगा प्रूफ भी करते जाऊंगा. सर सर उसमें थीटा का एंगल 90 से ज्यादा होगा ना. यस यस यस. तो फिर वो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा इसलिए वो नीचे जाएगा ना मतलब. यस यस करेक्ट व्हिच विल बी नेगेटिव. यस यस. अब गाइस पॉइंट्स की बात कर रहे हो लाइक एप्लीकेशन का सर्विस अभी रुक जाओ एक मिनट. हाँ वन मिनट. सो गाइस जो है अपन क्या कर रहे हैं एसटी कैप नोट्स जो पीडीएफ ग्रुप में भेजा है उसके पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है ये वाला है ना जहां पर ये एंगल एक्यूट है. एक्यूट पे तो राइज हो रहा है वैसे यहाँ पे तो हमने कर लिया ऑब्ट्यूज के लिए देखते हैं. अब यहाँ पर यू गाइस नो दिस एंगल इज एक्यूट तो ये वाला एंगल थीटा. अब जो है इसमें हाउ यू सी दिस वन तो इट इज थीटा. तो अब यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा मर्करी के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मर्करी इन ग्लास और दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल.
ये राइज ये फॉल अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है. लेट अस कॉल दिस एंगल एज अल्फा, ठीक है. सो गाइस यहां पर हो गया हमारा थीटा प्लस अल्फा 180, थीटा विल बी 180 माइनस अल्फा. यार अब थीटा को भूल जाते हैं, अल्फा से काम करते हैं. हाँ, लेट अस फॉरगेट दैट, अब उसको भूल जाते हैं एंड वी वांट टू डिराइव दिस डिफरेंशियल. तो उसको थोड़ा इनलार्ज करके ड्रॉ करते हैं. भाई ऐसा हो गया, यहाँ तक ये मर्करी, यहाँ पूरा फील्ड, ये मर्करी, ये पूरा फील्ड. फिर आपने ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट किया, ट्यूब की वजह से जो है ये वाला, हाँ ये ट्यूब की वजह से जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, इस लेवल से फॉल हो रहा है. तो दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव गाइस, है ना. तो चलो इसका प्रूफ के लिए, सो इसमें जो है ये ऐसा, बस यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे ना, दिस एंगल वाज अल्फा. अब यहां से टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट रेडियस, जैसे हमने याद है फर्स्ट वाला प्रूफ किया था सेंटर. अब ये जो मेम्ब्रेन जो फॉर्म हुआ है यहां पर मेम्ब्रेन, हाँ ऑब्वियसली मर्करी यहां पे एयर से एक्सपोज्ड, तो यहां पर हाँ ये पूरा मर्करी है गाइस, यहां से स्टार्ट ये उसका मेम्ब्रेन, मेनिस्कस टॉप मेम्ब्रेन. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी. अब दिस एंगल इज अल्फा, सिर्फ मुझे गाइस इसका मैग्नीट्यूड शो करना है. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड गाइस, फॉल आई हैव कंसिडर्ड अल्फा 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा. सो आई विल राइट कॉस अल्फा, बाय कॉस कितना हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस. आर सी इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेम्ब्रेन. R will be RC by cos alpha, ठीक है. अब जो है यहां पर गाइस ये तो पूरा ट्यूब है ना, ओपन है, एयर से एक्सपोज्ड, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर विल बी P नॉट. अब मेम्ब्रेन का मुंह इस साइड है गाइस, हाँ तो मेम्ब्रेन ये साइड है, मुंह सेंटर इधर है, तो ऑब्वियसली ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है. मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का स्पेरिकल मेम्ब्रेन, वन स्पेरिकल मेम्ब्रेन प्रेशर कितना ज्यादा होगा, पी नॉट प्लस स्पेरिकल. हाँ गाइस स्पेरिकल के लिए तो भाई अब वाला फॉर्मूला है, लैप्लस से करेंगे, पी एक्सएस इज इक्वल टू एस टाइम्स 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू. लैप्लस के लिए आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर, सो ये वाला आ जाएगा 2s बाय आर. यहां तक आ गया. अब जो है अब ये मर्करी लिक्विड में आ गए हैं, मर्करी में मर्करी में आ गए, तो यहाँ और यहाँ पे लेवल सेम होगा. ओके प्रेशर जो है ये सेम लेवल है, मर्करी लिक्विड यहाँ पे है पूरा मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन, ये मर्करी, यहाँ का प्रेशर एंड यहाँ का प्रेशर विल बी सेम, पी नॉट प्लस टू एस बाय आर. अब चलो ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जाएंगे इस पॉइंट पर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल ना, इसके रिलेटिव फॉल. चलो ठीक है भाई, इसके रिलेटिव फॉल यहाँ तक पहुंचना है, तो इसके रिलेटिव फॉल करना है, तो इसके रिलेटिव फॉल विल बी पी नॉट माइनस प्लस टू एस बाय आर माइनस रो जी एच. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है ना, वी हैव अज्यूम कि वाला फॉल हुआ है और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है भाई, ठीक है. एंड यहाँ पहुंच गए एंड दिस ये एयर से एक्सपोज है, अगेन यहाँ का प्रेशर इज पी नॉट, दिस गोस आउट. तो यहां से जो है you can find h की value 2s by rho g r, r की value रख देते हैं r, हाँ तो ये क्या जाएगा, r will be rho g, r की जगह क्या लिखोगे, rc by cos alpha, rc cos alpha. तो हमारा h आ गया भाई ये वाला ना, तो ये वाला जो है 2s, यहाँ visible नहीं है, let me write it again. So ये वाला this is 2s
एंड ये कितना हो गया हमारा 2s cos alpha, इधर आ गया, तो 2s cos alpha by rho gr, this is the जो डिप्रेशन हुआ है ना 2s cos alpha by theta, मैग्नीट्यूड ही बताना है यहाँ पर, चलो उसका मैग्नीट्यूड लेना है भाई, हाँ थीटा की अल्फा की जगह 180 माइनस थीटा अपॉन रो जी आर, मैग्नीट्यूड ही बताना है, वी हैव अज्यूम वी हैव कंसीडर्ड दैट इट इज अपॉन, तो एच इज इक्वल टू 2s, ठीक है, मैग्नीट्यूड cos 180 है ना माइनस थीटा, मैग्नीट्यूड ही लेना है भाई, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल रो जी आर सी आर कैप. So guys, this is how we can show that कितना फॉल होगा. चलो I will now unmute. So guys, हाँ क्या कर रहे हैं, let me explain again फिर से. Otherwise sir, आप भी बुलास. ST cap notes, उसमें पहला पॉइंट ये था ascent formula 2s cos theta by rho gr, हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया ascent, ठीक है भाई, लिक्विड यहाँ पर राइज कर रहा है, क्यों राइज कर रहा है, एडहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एज कंपेयर टू कोहेसिव, एडिशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल विल राइज अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास मॉलिक्यूल्स को पुल करके ऊपर कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दैट मींस ये उसकी तरफ जाके चिपक रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वेटिंग, यहाँ पे वेटिंग ज्यादा है, वेटिंग है भाई, ग्लास मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स ग्लास मॉलिक्यूल से चिपक जा रहे हैं, वेटिंग हो रहा है. यहाँ पर मरकरी और ग्लास में देख रहे हैं कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स दूर भाग रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट है भाई, एडहेसिव कम है, तो ये उसको उसे चिपक नहीं रहे, वेटिंग नहीं है ना, इट डज नॉट वेट, तो यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे जो है राइज, 2s cos theta by rho gr, फॉर्मूले से जाओगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो एक्यूट एंगल में राइज, यहाँ पर इस वाले केसेस में एंगल जो है ऑब्ट्यूस, इसमें जो है फॉल आता है, ऐसा फॉर्मूला से करोगे तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल कॉस थीटा नेगेटिव सब हो जाएगा, लेकिन हमने प्रूफ कर लिया, कैसे प्रूफ किया, इसको थीटा दिस इज अल्फा, थीटा प्लस अल्फा 180 रखा, फिर वही मेम्ब्रेन का मेनिस्कस, यहाँ टेंजेंट की परपेंडिकुलर रेडियस, ये टेंजेंट रेडियस, वी ड्रॉ अ स्पीयर ड्रॉ किया अल्फा, कॉस अल्फा इज RC by R, capital R, capital R is radius of curvature of the membrane, meniscus, हाँ, membrane, meniscus का, फिर यहाँ से start करते हैं, ये खुला है, air से exposed है, यहाँ का pressure P naught, membrane का move इस side है, तो P naught plus 2S by R, ये भी mercury, same level, guys, हाँ, same level, so भाई ठीक है, यहाँ का भी P naught, फिर ऊपर जा रहे हैं, surface की तरफ, H height, ऊपर, तो pressure इसके रिलेटिव डिक्रीज होगा, P naught plus 2s by R minus rho g h, P naught या P naught हटा दो, h की वैल्यू 2s by rho g r cos alpha, ठीक है, RC by रखा यहाँ पर, ये आ गया भाई, अब जो है तो इससे हमारा कितना मिल गया 2s cos alpha by rho g RC, ठीक है, अब अल्फा को रख लो यार, mod ही निकालना है हमें, है ना, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू प्रूव इट कि भाई डिप्रेशन इतने का होगा, ठीक है, माइनस क्या मॉड डिप्रेशन लिया ही है ना, चलो यस गाइस, ये वाला अंडरस्टूड, आर1 एंड आर2 का जो नेगलिजिबल वो जो स्मॉल नेगलिजिबल डिफरेंस है वो आपने नेगलेक्ट कर दिया ना, आर1 आर2 नेगलिजिबल कैसे हुआ भाई, लास्ट क्लास में याद है ना, एसेंट तो यार एक दूसरा एक अंदर एक बाहर है ना, आर1 आर2 नेगलिजिबल कैसे होगा, ये वाला याद है, हमने इसको दो मेथड से किया था, नहीं से मतलब वो R1 थोड़ा अंदर है R2 थोड़ा बाहर है तो वो अपने वो छोटा डिफरेंस निकले कि दोनों को आधार ले लिया ना, अरे नहीं लास्ट क्लास का ये डेरिवेशन ही आप सीन बताओ, इसका डेरिवेशन में ऐसा लिया था, ये कढ़ाई जैसी होती है ना, कढ़ाई जैसी, हां सर, कढ़ाई जो हलवाई के यहां जिसमें समोसे तलते हैं, छोटा सा ऐसा ही बड़ा सा कढ़ाई ना पार्ट ऐसा होता है, साइड से देखेंगे तो उसका रेडियस, तो रेडियस ऊपर की तरफ ऐसा सेंटर ऊपर की तरफ आएगा तो रेडियस सबका सेम होगा ना, ये सही किया, तो उससे अलग कैसे हो गया, उल्टा की तरफ हो गया, ठीक है, यस सर, आंस नेक्स्ट वाला, ओके हाँ, देवेश सर इसको वेट वाले मेथड से कैसे करेंगे, वेट वाले से करना है,
जस्ट एक डाउट, आप एक वेटिंग के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, वो फिर से बताएंगे? वही एडहेसिव डोमिनेंट है, एडहेसिव, तो एडहेसिव डोमिनेंट अपनी तरफ खींच दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। यस, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच के उसके साथ चिपक गए हैं। यस, अच्छा इसीलिए वेटिंग होता है सर, वेटिंग उसको वेटिंग बोलेंगे भाई। ओके, मॉलिक्यूल्स सॉलिड के से जाके चिपक जा रहे हैं। ओके सर, है ना। तो वन मोर डाउट सर, यहाँ पे आपने जब डेराइव किया तो आपने ऊपर गए एच हाइट, तो आपने माइनस रो जी एच किया, बट सर वहाँ पे जब वो लिक्विड ही नहीं है तो आप लोग रो जी एच का यूज कैसे कर सकते हैं? कैसे लिक्विड नहीं है बताओ, जैसे यहाँ पर ये वाला सिचुएशन है, ये आपने ट्यूब को डुबोया तो इसमें इतना डिप्रेशन आ गया, ये तो परमर्फी है ना साइड में भाई। यस सर, पूरा मरकरी भरा हुआ है यहाँ तो। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, समझ गए वो तो। हाँ ओके सर, समझ गए। पूरा मरकरी फिल्ड है सर। आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या कॉपी करना है, बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। नहीं नहीं कृष्णा, कौन सा रिपीट करना है सर? वो एचटी कैप नोट्स में क्या क्या नोट डाउन करना है वो रिपीट कर देना, बाकी का मैं समझा वो समझ गया। सिर्फ दो पॉइंट्स लिख, अभी कुछ लिखना कुछ नहीं है, मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूँ। अच्छा ओके सर, डायरेक्ट नोट से कॉपी करना वो वाली कि आपके वाले से लिखना? अरे नहीं, इनको मैं अभी क्लास में लिखाते जाऊंगा। ओके सर, चलो गाइस, ये वाला हो गया ना सबका। देवेश क्या डाउट था सर? वेट मेथड से कैसे करेंगे? वेट वाले से यार, फिर वही सरफेस एंड का फोर्स अब अंदर की तरफ उसको दबा रहा है ऐसा मेम्ब्रेन पे। फिर वेट किसका लेंगे? ओके यू आर ट्राइंग टू वेट, ठीक है वेट से ट्राई करेंगे तो अगर फिर क्या मेम्ब्रेन का इक्विलिब्रियम लिखेंगे क्या? मतलब इसमें तुम बोल रहे हो, ओहो यहाँ पर कैसे करेंगे, मतलब मेम्ब्रेन दोनों नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है तो इसका वेट जो है, मतलब इसने इतना जो एच हाइट जो वॉल्यूम उसने नीचे प्रेस किया उसका वेट लेंगे ना सर? नहीं नहीं, तो फिर प्रेशर से भी कर सकते हैं। प्रेशर से, हां प्रेशर से करना होगा यार, फिर तो प्रेशर से ट्राई करना अपने, ठीक है। अपने लिए तो वो अपना यही वाला है, अपने लिए जो वाला लेते हैं क्योंकि सर मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें स्क्वायर था उसका क्रॉस सेक्शन। किसमें किसमें, अभी रुक जाओ कुछ क्वेश्चंस अभी करते हैं फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके सर, चलो अब जो है तो थर्ड पॉइंट गाइस, थर्ड पॉइंट जो है नील, थर्ड पॉइंट क्या है वहां पर? यस सर, देख रहा हूं सर। जो सर मैं रीड आउट करूं? अरे जूरियन रूल है, जूरियन 2s cos थीटा / रो g r, थर्ड पॉइंट रो जी आर सी रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, सो एच इज यस आ गया 1/ रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट करना है, फोर्थ वाला गाइस। पहले आई विल एक्सप्लेन यू द सेटअप, फिर उसके बाद करेंगे। हाँ पहले जो है इसमें जैसे गाइस इसमें क्या दिया हुआ है, यू हैव टू प्लेट्स, ठीक, पहला प्लेट, ठीक है, और एक प्लेट लाए, पहला प्लेट और सेकंड प्लेट यहां पर रखा, ये दो प्लेट्स को ऐसे पकड़ा हुआ है। इस पूरे अरेंजमेंट को ले जाकर क्या किया, लिक्विड में से वाटर, वाटर में इमर्स कर दिया, वाटर यहां भरा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये दो प्लेट्स लाए, एक पैरल रखा, बहुत कम है, एक पैरल रखा और इसको जो है इमर्स कर दिया गाइस। इनके बीच का डिस्टेंस जो है डी सर, यस हाँ सर, थिकनेस बहुत कम है ना दोनों का, इन दोनों के बीच का गैप नहीं सर, थिकनेस प्लेट्स का, थिकनेस प्लेट्स का थिकनेस मैटर ही नहीं करता हमारे, तो इसके बीच का गैप चाहिए। क्या क्या प्लेट्स पतले है ना, अभी रुक जाओ, हाँ अभी रुक जाओ, हाँ रुक जाओ गाइस, एक मिनट लगती सबको, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें जो है
सर एक बार प्रीवियस पेज का मैं जल्दी स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ओके आयुष चलो गाइस थर्ड सो आई विल डिस्कस नाउ द फोर्थ पॉइंट। ठीक है गाइस फोर्थ पॉइंट पे जो है सो आयुष इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलो हाँ गाइस फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है दो प्लेट्स। हाँ ये दो प्लेट्स है This is plate one and this is plate two. दोनों को कैसे रखा इसके पैरेलल दोनों के बीच का सेपरेशन d है तो दोनों के बीच का सेपरेशन d और लेंथ ऑफ द प्लेट दिया है ये वाला डायमेंशन l यहां से लेके यहां तक। ठीक है यहां से यहां तक ये यहां से यहां तक। अब जो है यहां पे क्या जैसे आपने इमर्स किया तो लिक्विड यहां पे राइज कर जाता है ये राइज कर गया ऐसा दिस इज द राइस। हाँ अब दिस राइस इज एच दिस लिक्विड राइस एच हमें कैलकुलेट करना। ठीक है गाइस अब क्या होगा पूरा राइस तो पूरा प्लेट के लॉन्ग करेगा ऐसा भाई। ठीक है तो इसका शेप देखो ये राइस जो हुआ ये राइस राइस ऑफ द लिक्विड देखो ये पूरा राइस किया है यहाँ पर ना तो ये लिक्विड ये पूरा यहाँ से राइस कर जा रहा है उसका शेप कैसा हो गया गाइस ये इसका फ्रंट व्यू देखेंगे फ्रंट व्यू में कैसा आया ये ऐसा आया क्रॉस सेक्शन है ना तो मतलब ये कैसा हो गया डक्ट की तरह डक्ट डक्ट सिलिंड्रिकल। ठीक है तो ये सिलिंड्रिकल डक्ट और ये राइज कर गया ऊपर इतना पानी राइज कर दिस वी वांट टू फाइंड क्या क्या गिवन है गाइस दो प्लेट्स प्लेट्स प्लेट वन प्लेट टू लेंथ ऑफ द प्लेट इज एल D is the separation between the plates. उनके बीच का gap ही matter करता है guys. अब ये plate जो है भाई इसका front edge ही matter करता है पीछे यहाँ पहाड़ भी खड़ा कर दो फर्क ही नहीं पड़ता ना पानी को यार हमें ये rise देखना है। ठीक है तो इस rise के लिए इन दोनों के बीच के दोनों plates के बीच का ये distance ये matter करेगा D. Length of the plates is L. This height is H. ठीक है भाई अब ये H हमें calculate करना है So, भाई दो मेथड्स ठीक है दोनों मेथड से करते हैं फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट मेथड में जो है फर्स्ट मेथड वहां पे जो दिया हुआ है बुकलेट में ठीक है क्या दिया हुआ है यार वही वाला फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स वाला चलो कर लेते हैं भाई अपवर्ड फोर्स अब यार मेम्ब्रेन जो है यहां पर है ना अब मेम्ब्रेन अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पता नहीं क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो थीटा ले लेते हैं तो मेम्ब्रेन का फोर्स ऐसा कैसे लगेगा ये जो लाइन है भाई ये देखो मेम्ब्रेन की लाइन यहाँ पर ये टॉप सरफेस मेम्ब्रेन की लाइन के परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे लगा रहे लाइन के ऐसा द लेंथ ऑफ द लाइन इज एल। ठीक है गाइस ये वाला अब यहाँ पर ये लेंथ एल है वैसे ये बाजू में भी रहेगा भाई ठीक है ये वाला भी एल दोनों साइड है एंगल ये वाला थीटा देखो इस साइड फोर्स क्या आया टी सरफेस इनको टी ले रहे हैं टी इनटू एल लेकिन हमें इंटरेस्ट किस में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट गाइस। हां तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर इसका जो है फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा ये दो प्लेट्स ऐसे दिखेंगे भाई पानी में डूबे हुए ये वाला शेप ना ऐसा अब देखो यहां पर ये वाला जो है This is how much T into L भाई ये वाला जो है This is T into L This angle is theta अब इसका ऊपर वाला component क्या जाएगा TL cos theta vertical और ये वाला रहने दो वैसे ये बाजू में होगा This and this So, ये तो कैंसिल हो गए भाई वर्टिकल वाले दोनों के वर्टिकल्स एड अप हो रहे सो टू टी एल कॉस थीटा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा एमजी है ना अब एमजी अगेन साइड वाला ये मेनिस्कस नेग्लेक्ट करो साइड वाला मेनिस्कस नेग्लेक्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें एक चॉकलेट बार की तरह राइट चॉकलेट बार क्यूबॉइड मास एमजी लिखना है mg क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो आएगा
ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या जाएगा, लेंथ, ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ की वाला हो जाएगा इसका, गाइस ये वाला थिकनेस डी दिया था, डी एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट राइज एच इंटू जी, ठीक है। अब इसमें से एल उड़ा दो यार यहाँ पर, सो यहां से वी वांट टू फाइंड हाइट राइज का एच निकालना था, टू टी कॉस थीटा बाय रो जी, ओ डी भी है, ठीक है, ठीक है, टू पी कॉस थीटा बाय रो जी डी। गाइस क्या है मेथड, लेट्स सी क्या था, तो अरेंजमेंट क्या है, टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स, सी सर पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स दिए हैं, एक के सामने एक रखा, लेंथ ऑफ द प्लेट इज एल, पैरेलल रखा हुआ है, डुबोया पानी में, दिस इज द वाटर लेवल, पानी ऊपर राइज कर गया, दिस राइज, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है भाई वाला, तो एज शोन इन द नोट्स का थर्ड फोर्थ पॉइंट ये एच। अब जो है यहां पर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स पहले, तो सरफेस इनका फोर्स कहां पे आएगा, ये मेम्ब्रेन है भाई, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ये लाइन, लाइन के ऐसा परपेंडिकुलर ये वाला t into l, दिस इज t into l, हमारा इंटरेस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में उसका cos theta, वैसे ये बाजू में भी होगा t into l cos theta, है ना, अपवर्ड फोर्स हो गया भाई। डाउनवर्ड फोर्स mg, mg जो पानी उठा हुआ है इसका साइड वाइज, इस मेनिस्कस को नेगलेक्ट करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव, तो ये हमारा जो शेप आएगा, ये शेप, तो ये वाला शेप कैसा होगा, ये वाला जो है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मास कैसे लेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू होगी लेंथ इनटू डी इनटू एच इनटू जी, एल उड़ा दो, एच की वैल्यू ये आ गई। चलो ठीक है गाइस, अब जो है आई विल अनम्यूट, चलो हाँ सॉरी, यस the previous page the derivation which you did, that was for the second point, right? In the previous page Arav kya bol rahe ho sir, the previous page the derivation which you did was for the second point na, yes Arav sir, yes Neil, ha sir, agar hum isko third point ke jo formula likha hai and fourth point ke se compare kare to dekha sir, 2t theek hai, st ho gaya, rho g theek hai, rho g hai sir, wo अरे बाबा नहीं लिखो, कंपेयर क्यों करोगे नील, पहला वाला तो है उसमें पाइप कैसा है, सिलिंड्रिकल पाइप, टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे दो प्लेट्स पैरेलल रखे हैं, दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं बताओ, उनके रिजल्ट्स कैपिलरी राइज एच को क्यों कंपेयर करेंगे बताओ, सर द पीडीएफ में द फोर्थ पॉइंट इज रॉन्ग राइट, लाइक दे हैवंट रिटन कॉस थीटा, उन्होंने वाटर के लिए cos थीटा 1 माना है ना, ठीक है ठीक है ओके ठीक है गाइस, चलो भाई अच्छा ओके, वाटर, हां वाटर के लिए एंगल 0 ले लो भाई, लिखो cos 0 बना थीटा ले लिया यार, तो ये वाला चलो हां 2t / rho g, पैरेलल नहीं लगेगा ना सरफेस के ऊपर पानी है, पैरेलल पानी लगेगा ना सरफेस के ऊपर, से 0 है ना थीटा, angle of contact water के लिए zero, yes the angle of contact for mercury is 135 right, mercury with glass is 135, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, दिया रहेगा, चलो okay guys, फिर second method, ये वाला copy हो गया ना सबका, no sir sir one minute, देवे second method बताओ, मैत्रेय सेकंड मेथड करो, प्रेशर से ना, प्रेशर कर, मानवी, यस सर, ये इज दिस ओके ना, ये वाला प्रूफ, यस या अंडरस्टूड, थैंक यू, चलो आई विल गो टू द सेकंड प्रूफ, हां चलो गाइस, अब जो है फोर पॉइंट सेकंड प्रूफ, ठीक है, इसके लिए जो है
ठीक है, 4 पॉइंट सेकेंड रूल गाइस। हाँ, अब उसके लिए गाइस हम उसका यार ये वाला जो है, ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, इसका ये वाला व्यू ड्रॉ करते हैं यार, ये वाला जो है उसका फ्रंट व्यू, इस साइड से फ्रंट व्यू। ओके, तो फ्रंट व्यू में जो है भाई, ठीक है, ये ऐसा, ये दो प्लेट्स, इनके बीच का सेपरेशन इज डी, और ये जो है ये सामने से जो डक्ट, सिलिंड्रिकल मेम्ब्रेन, ये ऐसा दिख रहा है, ये पानी, ये पानी का लेवल कितना, दिस सेपरेशन इज डी, और ये जो है हाइट राइज एच, दिस इज एच, इतना पानी यहाँ पर उठ गया है। ओके, अब जो है इसमें, ओके, सो जो यू आर सेइंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, अरे यार चलो ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो तो ऐसे बना देते हैं भाई, चलो टेंजेंट बना लिया सब प्रॉपर, और ये वाला डी है ना, ठीक है, तो सिलिंड्रिकल मेम्ब्रेन, लैपलेस फॉर्मूला कहाँ चला गया, पी एक्सेस ड्यू टू ईच मेम्ब्रेन इज एस टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2, सिलिंड्रिकल मेम्ब्रेन है भाई, है ना, तो सिलिंड्रिकल मेम्ब्रेन के लिए भाई एक एक सरफेस फ्लैट हो गया, लाइन है ना, वो जो वाटर बॉटल लाइन हो गई, और एक रेडियस जो है ये वाला रेडियस, ठीक है, वही हमने जो ड्रॉ किया था, एक लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, हाँ उस बच्चे ने अच्छा डायग्राम भी भेजा था, ये ऐसा, फिर एक इन्फिनिटी हो गया और एक रेडियस छोटा आर, तो एस बाई छोटा आर, एंड दिस छोटा आर विल बी, दिस सेपरेशन इज डी गाइस, ये वाला, सो छोटा आर इज डी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, एस और ये डी बाई टू, ये हो गया टू एस बाई डी, सो दिस बिकम्स आर इज डी बाई टू, सो दिस विल बी टू एस बाई डी, पी एक्स इज ड्यू टू वन मेम्ब्रेन हियर, ईच मेम्ब्रेन is 2s by d, each membrane, x is due to each membrane is 2s by d, start यहाँ से करते हैं भाई, ये वाला p not पकड़ो, membrane का मुंह ऊपर की तरफ है, तो membrane का मुंह ऊपर की तरफ, तो ठीक है भाई, ये membrane का ऊपर हो गया, तो यहाँ वाला point पे pressure just membrane के नीचे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p excess वाला कम, तो p minus 2s by d, फिर वाटर में और नीचे आओ, P नॉट माइनस टू एस बाई डी प्लस, नीचे आओ भाई रो जी एच, यहां पर आ गए भाई, यहां का प्रेशर भी सेम एज यहां का प्रेशर, सेम लेवल है, पूरा लिक्विड है भाई ये तो पूरा, P नॉट, दिस कैंसिल्स आउट, सो एच विल बी टू एस बाई रो जी डी, ठीक है, वही हो गया भाई, देखो ठीक है, अगर मान लो थीटा लेना है तो थीटा से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं यार, थीटा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा लेना है तो भी कर सकते हैं, सिर्फ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर थीटा लेकर करना चाहते हो तो गाइस क्या हो जाएगा, देखो ये वाला इसको चेंज करना चाहते हैं, वांट टू चेंज दिस वन, क्या चेंजेस आएंगे, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट जीरो है ना, ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया है ना, और ये आर हो जाएगा, दिस इज वॉट डी बाई टू, तो गाइस अब क्या लिखोगे, कॉस थीटा की जगह एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना हो गया डी बाई टू डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द मेनिस्कस मेम्ब्रेन, सो आर की जगह कितनी आ जाएगी, आर विल बी डी बाई टू कॉस थीटा आ जाएगा आपका ना, सो अब जो है एक ये जो आर आ गया ना एक मेम्ब्रेन ना, तो ठीक है भाई उसमें क्या लिखोगे फिर, यही वाला टर्म पी नॉट मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो कितना आ जाएगा, एक मेम्ब्रेन की जगह एक ही मेम्ब्रेन बचेगा ना, तो एस बाय आर और पी नॉट माइनस एस बाय आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, वही टर्म होगा जिसमें से ये उड़ा दोगे है ना, तो फिर क्या लिखोगे, रो जी एच इज इक्वल टू एस बाय आर, एंड फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, एच की जगह एच की जगह जो है एच यू वॉन्ट टू फाइंड एस बाई रो जी आर, और आर की जगह भाई रख लो, तो थीटा के फॉर्म में अगर चाहिए आंसर तो थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रो जी आर क्या हो जाएगा, डी बाई टू कॉस थीटा, थीटा के फॉर्म में आ गया और थीटा की वैल्यू जीरो डाल लेना, तो फिर वही हो जाएगा आंसर ना, सेम यू गेट। हाँ चलो, हाँ सो इसमें जो है, यस गाइस, हाँ
ये स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट सेकंड वाले में आपने स्पेसिफिकली वाटर के लिए किया ऊपर वाला इसीलिए r1 इंफिनिटी हो गया ना cos पैरेलल टू सिलेंडर नो अगर मान लो दूसरे लिक्विड के लिए भी करता ठीक है तो जैसे इसका शेप देखो है ना वाटर बॉटल बनता है देखो वाटर बॉटल का सरफेस ऊपर सर लास्ट क्लास में किया था ना ये यस 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 हां वही डिस्कशन इतना बड़ा हुआ था ना यस यस हां और उसने एक बच्चे ने अच्छा डायग्राम भेजा था ना व्हाट वाज हिज नेम कैसे बोल दिया क्या नाम था हु वाज दैट सर यहां पे मेनिस्कस का शेप सिलिंड्रिकल जैसा कंसीडर किया है यस यस सिलिंड्रिकल ही तो होगा चार में दो प्लेट्स के बीच में जो पानी उठा रहेगा हां सर तो ऐसे ही तो होगा सब ये सामने वाले सामने में ऐसा है तो अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो कैसा दिखेगा समझ गया सर सर और वो कैपिलरी ट्यूब में तो स्फेरिकल जैसा रहेगा ना जैसे आपने वो मर्क्यूरी में बनाया था कैपिलरी ट्यूब तो पूरा गोल है तो हर जगह जो है हर सेक्शन में ऐसा गोल आएगा तो मतलब उसका शेप वैसा आ जाएगा करेक्ट है ना कैपिलरी ट्यूब में तो ऐसा आ जाएगा ना और इसमें तो सीधा है ना यार तो ऐसा चला गया हां सर समझ गया थैंक यू सर हां नी हां सर मेरे को डाउट था सर वो रेडियस अलग-अलग क्यों है सर वो DNR अलग-अलग वैल्यू आया या वो बच्चे ने जो डायग्राम जो अच्छा भेजा था वो बच्चा फिर से एक बार डायग्राम भेजो यार इस बच्चे ने था ये तो सिलेंडर हो गया ना इसीलिए तो इंफिनिटी हो गया ना यस हां सो सर आपने जो लैपलेस का इक्वेशन लिखा है उसमें जो r2 है वो कैपिटल r होना चाहिए ना लैपलेस का इक्वेशन में व्हिच वन लैपलेस के इक्वेशन में यस प्लीज सर अगेन हां सर इट्स नॉट ऑन दिस पेज ओह ये वाला पेज में हां आते हैं आगे भी ले सकते हैं किसी इट्स द नंबरिंग ऑर्डर डजंट मैटर no sir I'm saying that r2 should be capital r na matlab radius of the meniscus and you have taken it small r ek minute ha dekho ek to isme do membranes honge agree do membranes honge yes sir ek jo hai ek line ek to chota wala hoga jo aisa wala aa jayega right ye wala na ye wala ek aisa aa jayega aur ek jo hai kaisa aa jayega jo hai ek lamba sa line to ek ke liye to infinity ho gaya Yes, sir. हाँ, ये हम किसके लिए कर रहे हैं वाटर के लिए कर रहे हैं ये वाला वाटर के लिए अब वाटर के लिए जो है क्या होगा रेडियस जो है वाटर के लिए परफेक्ट टेंजेंट हो गया तो d is equal to r by 2 लिख सकते हैं हाँ, yes, sir. तो d is equal to r by 2 लिखा तो ये जो है मतलब r by मतलब सॉरी r is d by 2 सॉरी r is d by 2 एग्री r is d by 2 ना करेक्ट परफेक्ट टेंजेंट है करेक्ट हाँ यस सर हाँ बस r is d by 2 लिखा तो ये वाटर के लिए तो ऐसा आ गया अब जो है जनरल लिक्विड के लिए करना है तो जनरल लिक्विड के लिए ऐसा एंगल थीटा मान लो उसमें भी वैसा ही टर्म आ जाएगा थीटा की वैल्यू 1 डालने पे सेम रिजल्ट आएगा ना अलीना अंडरस्टूड दिस वन ओके सर हेलो सर यस यस हर्षल हाँ तो सर आप एक ही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से प्रूफ कर रहे हो अभी तक है ना हाँ हाँ बस ऐसे ही ये कर रहे हैं कि मतलब वो अलग अलग केसेस से दिए हुए थे तो मैंने उसको अलग अलग तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ ओके सर तो एक ही फॉर्मूला है बस हाँ मतलब वही चीज जो फोर्थ पॉइंट था उसको दो मेथड से किया हाँ यस हाँ जय अंडरस्टूड दिस वन यस सर ओके ओके समर Understood this one? चलो ठीक है फिर नेक्स्ट करते हैं भाई हाँ फिफ्थ पॉइंट तो फिफ्थ पॉइंट ठीक है आई विल एक्सप्लेन फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट चलो फिफ्थ पॉइंट के लिए गाइस फिफ्थ पॉइंट के लिए करना है लेट मी एक्सप्लेन द सेटअप फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया है हाँ तो फिफ्थ पॉइंट में गाइस आपको पहले क्या दिया है लोगों ने बोला एक हॉलो सिलेंडर लो So this is a hollow cylinder, ठीक है? Yeah, let me draw it again. चलो, एक hollow cylinder लिया, ये hollow cylinder, ठीक है? अब जो है अंदर पूरा खाली है, hollow, obviously. तो ये hollow cylinder, और इसमें जो है,
ये हॉलो बाहर वाला लिख देते हैं। चलो और यहाँ पर बीच वाले में पूरा स्पेस खाली है ना, तो बीच में क्या किया, एक सॉलिड सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, दिस इज सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड मतलब ऐसा हो जाएगा भाई, इसको बीच में प्लेस कर दिया तो मतलब स्पेस बीच का कम हो गया गाइस, गैप। तो अभी खाली स्पेस कौन सा है, खाली स्पेस दोनों के बीच वाला स्पेस होगा, ये पूरा तो सॉलिड है, इसने ग्लास ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो है आउटर रेडियस भाई, इसका ये बड़े वाले का रेडियस कुछ ले लेते हैं आर टू, इसका रेडियस इससे आर वन, आर वन आर टू रेडियस हो गए है ना। इस पूरे को जो है दे हैव डिप्ड इन वाटर भाई, ठीक है, इसको पूरे को वाटर में डिप किया। अब क्या है, वाटर यहाँ पर, यह वाटर है। अब जो है ये वाला स्पेस जो खाली स्पेस है ना बीच का भाई, ये तो खाली स्पेस है पूरा, ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में लिक्विड विल राइज, लिक्विड राइज करेगा भाई, चलो ठीक है। सो लिक्विड राइज कर गया, तो ये राइज ये सक गया ना, ये लिक्विड है, लिक्विड इसमें राइज कर गया, तो ये राइज कैलकुलेट करना है, बीच वाले स्पेस में जो वाटर राइज हुआ है निकालना है ना। अब इस ऊपर से देखेंगे ये ऐसा है ना, इसका शेप ये ऐसा होगा, ठीक देखो भाई, इसमें जो है ऐसा ना, हाँ ये ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा, यहाँ से राइज किया, ये तो मेनिस्कस हो गया मेम्ब्रेन ना ऐसा, और ये ऐसा राइज किया होगा बीच वाला, यहाँ तो खाली ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो हाउ विल यू सॉल्व, फर्स्ट मेथड, तो अब सरफेस एंगल फिर से मान लेते हैं भाई, थीटा थीटा एंगल थीटा, हाँ सरफेस इनका फोर्स भाई, ये वाटर है ना, सिलेंडर ये जो है सिलेंड्रिकल रॉड ऐसा, तो इसमें पानी ऐसा चिपका हुआ, रेडियस आर वन, अपवर्ड फोर्स निकालना है, तो अपवर्ड फोर्स सरफेस इनका फोर्स कितना आएगा, एस इंटू टू पाई, एस इंटू टू पाई आर वन है ना, और उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट गाइस अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड को इक्वेट कर रहे हैं कॉस थीटा, यहाँ से बाहर ये वाला, यहाँ पर भाई ये वाला सरफेस इनका ये भी आएगा, ये एंगल थीटा एस इंटू टू पाई आर टू कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स कौन सा आ जाएगा, एम जी जो उतना लिक्विड उठा हुआ है। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एस टू पाई कॉस थीटा, और ये हो गया आर वन प्लस आर टू, एम जी लिखना है, मास कैसे हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम भाई ये जो पानी का वॉल्यूम है ना, पानी ऑब्वियसली कहाँ पे, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वहीं पे उठा होगा, तो ये वाला वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एजेस ये साइड वाला ये तो हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो ये कैसा हो गया, एनुलर सिलेंडर जैसा हो गया, बीच वाला वॉल्यूम चाहिए तो पाई ना, तो ये कितना जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर एच माइनस पाई आर वन स्क्वायर एच इंटू जी, रो पाई कॉमन, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, आर वन प्लस आर टू, और ये क्या जाएगा, आर टू माइनस आर वन इंटू एच इंटू जी, इधर क्या आ गया, एस टू बाई कॉस थीटा आर वन प्लस आर टू, चलो ये वाला तो उड़ा दो यहाँ से, आर वन प्लस आर टू पाई भी गया यहाँ से, सो नाउ यू गेट योर एच एस टू एस कॉस थीटा बाई रो जी आर टू माइनस आर वन, दिस इज द राइज गाइस, ये वाला जो राइज हुआ है दिस वी वॉन्टेड टू फाइंड, ठीक है गाइस। हाँ क्या सिचुएशन था, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, एक हॉलो सिलेंडर लिया हॉलो, फिर बीच में क्या किया, सॉलिड सिलेंडर डाल के सेंटर में उसके ये वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करा दिया, हाँ इसका हॉलो वाले का रेडियस आर टू, सॉलिड वाले का आर वन, इस पूरे अपरेटस को पानी में डुबोया, सो द वॉटर राइजेस अप, दिस राइज इज एच, अब पानी कहाँ, यहाँ ये पानी
में वाटर है ना, उसको वेट करेगा, स्टिक कर जाएगा एंड इससे डोमिनेंट से दिस एंगल इज सम थीटा। अब अपवर्ड फोर्सेस लिखा हुआ ये वाला, इधर अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पर इसके पेरिफेरी पे और यहाँ पे भी लिखेंगे ये वाला, ठीक है, एंगल थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जो है s into 2 pi r1 cos theta, ये वाला s into 2 pi r2 cos theta, mg, mg जो पानी उठा हुआ है ये वाला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g, डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम जो पानी का, हाँ तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम कितना होगा, pi r2 square h माइनस इतना वाला ग्लास का हटा दो r1 square h into g, इसमें तो a square minus b square वाला गया और इससे आ गया वाटर है तो थीटा जीरो ले लो और जो है इससे यू शुड बी एबल टू derive get this formula. Yes, you all, everybody understood? Making doubt था sir. Yes, Neil. हाँ. हाँ sir, ये R1 क्यों ले रखी है? देखा है एक solid tube है sir. Sir वहाँ पे कैसे लगेगा surface tension? तो sir सब molecule fixed ही है sir. नहीं, ये भी glass है. And this is also glass. Sir उन्हें लेकिन वो diagram में दिखे ऐसा एकदम sir. सॉलिड एकदम फिक्स्ड है, इसमें कुछ कुछ है ही नहीं अंदर। सॉलिड अगर फिक्स्ड है उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब किस डायग्राम में से लग रहा है बताओ? चाहिए फिफ्थ वाले ना सर, वही तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉलिड फिक्स्ड है कुछ है मतलब नहीं। सर जैसे कि जैसे बाहर कैसा होता है सर वैसा लग रहा है अंदर पाइप, सॉलिड बाहर कैसा होता है सर? नहीं, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, उसको इस हॉलो सिलेंडर के अंदर अलोंग द एक्सिस वहां पे प्लेस किया है ताकि इतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर ले। नील, हाँ हाँ सर, ओके ओके सर, मुझे वो फोर्स जो आपने लिखा है सरफेस टेंशन का, वो 2 टाइम्स s 2 पाई r1 cos थीटा क्यों नहीं है सर? 2 टाइम्स क्यों होगा ये बताओ, कि फर्स्ट डेरिवेशन में जो हमने किया याद है वो वाला जो फर्स्ट कैपिलरी राइज s into 2 पाई r cos थीटा में सबके वर्टिकल्स को ऐड करना है भाई, तो सबके वर्टिकल्स को जब ऐड करोगे तो जो है सबका लेंथ dl ले लोगे, हाँ dl, तो सबके जब ऐड करने जाओगे क्या लिखोगे, एस डी एल कॉस थीटा, एस डी एल कॉस थीटा, सबके डीएल का सम कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आएगा ना। इज वन अंडरस्टूड जयशंकर? यस सर, गॉट इट। यहाँ पे भी हमने मेनिस्कस का वेट निगलेक्ट कर दिया भाई, हाँ ये साइड वाला छोटा सा, ये थोड़ा सा पार्ट। मुस्तफा, इज दिस ओके? यस सर, गॉट इट। ओके ओके, Charvel? Yes, sir. Where is second method? अभी तक इसको copy कर रहे हो? Second method कहाँ है? ये first method में नहीं समझा sir. नहीं, first वाला नहीं समझ में आया? हाँ sir, वो उन्होंने लिखे अंदर अंदर वाला एक solid है sir. और उन्होंने अंदर कुछ दिखाया ही नहीं sir, पानी वानी से एकदम ऐसे बाहर जैसा लग रहा है sir. तो sir वहाँ पे surface tension लगेगा कैसे sir अंदर? आपने आपने कैसे देखा है पानी, थोड़ा पानी है अंदर, वो बाहर के आउटर सरफेस से सरफेस टेंशन लग रहा है ना, अंदर वो बाहर लगेगा, बाहर लगेगा सर, ने ऐसा लग रहा है अंदर दिख रहा है, मैंने कुछ वो डायरेक्शन वैसे दिखा है सर, तो शायद उसे लग रहा है कि जो अंदर एक सिलेंडर है ना सर छोटा वाला, उसमें भी लिक्विड भरा हुआ है और उस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा है सर, आपने ऐसा बने ऐसा लग रहा है लिक्विड, और मैंने शेडिंग रॉन्ग, दूसरा शेडिंग यूज करना चाहिए बोल रहे हो क्या? ठीक है, एक मिनट जाओ, मैं शेडिंग बदल देता हूँ, शेडिंग कैसे बदलूंगा इसमें, ठीक है एक मिनट जाओ, ग्लास के लिए कुछ दूसरा शेडिंग कर लूँ क्या? चलो हाँ, ये ग्लास के लिए, ये ग्लास यहाँ तक है सर, चलो अब ठीक है, ये वाला ग्लास मॉलिक्यूल चल रहा है, ग्लास येलो 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 है ठीक है ना, ये पूरा ग्लास है, अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, पैक है पूरा सॉलिड। Is this okay, Neil? हाँ, yes sir. तो मतलब बाहर से लगेगा ना वो लड़का बोल रहा था। Yes yes. तो पानी जो है यहीं पर रहेगा भाई, इधर वाला। Yes yes. वो जो पानी बाहर से। Yes. बाहर से। Yes yes. Sir. Yes हाँ।
दूसरा मेथड प्रेशर से करेंगे बट फिर वो एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे निकालेंगे सरफेस पे? ठीक है हाँ करते हैं, एक मिनट जाओ। अब जो है सेकंड मेथड गाइस, ये वाला सर वो रॉड और बाहर का मटेरियल सेम है क्या? यस दोनों ग्लास है करेक्ट। यस बात सेम, अगर सेम अगर सेम नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे वो? फिर थीटा ऑन थीटा टू अलग हो जाएगा ना यार एंगल। हां यस ओके सर। अगर सर अगर सिमिलरली अगर लेफ्ट वाले में डिफरेंट लिक्विड होता और राइट वाले सेक्शन में डिफरेंट लिक्विड होता तो थीटा 1 थीटा 2 देते ना दो सेपरेटली? अरे कृष्णा लेफ्ट एक ही लिक्विड है, एक ही लिक्विड नहीं है। नहीं मैं सर मैं बोल रहा हूं डिफरेंट अपैरेटस में, लाइक यहां पे है मैं बस बोल रहा हूं कि अगर डिफरेंट लिक्विड होता तो थीटा डिफरेंट होता है ना। ओ यू आर चेंजिंग मतलब यू आर टेकिंग द सेम सेटअप एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट लिक्विड देन थीटा 1 विल बी थीटा 2। अच्छा सर आप पहले मेथड 2 करा लो फिर मैं अपना डाउट पूछता हूं। सर आएगा सो मटेरियल की बात कर रहा है रॉड, लिक्विड लिक्विड की बात। सर थीटा तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना तो चेंज ही होगा उसके, और हाँ लिक्विड दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे ना यार इसके। सर वो फर्स्ट इक्वेशन में थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएगा R1 R2 की तरह। हाँ मतलब वो अब यार लिक्विड बदल गया तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होगा ना। सर डायग्राम में बता सकते हो सरफेस टेंशन लग कर है? सरफेस टेंशन जो है जैसे हमने किया कि जैसे पहले आउटर वाले पे देखेंगे। हाँ सो आउटर वाले पे सरफेस टेंशन की तरह होगा ऐसा पेरिफेरी में ऐसा जैसे याद है कि हम जो कैपिलरी में करते थे ऐसा। यस सर ये कैपिलरी में ऐसा आ जाएगा भाई। हाँ कैपिलरी में ऐसा बाहर और यहाँ पर ये पानी ऐसा, ये ऐसा पानी जो है इसमें भी चिपका हुआ है तो इस पेरिफेरी में भी ऐसे रहेगा राइट। ये जो ऐसा है सब में अलोंग द पेरिफेरी आ जाएगा इस पूरे पेरिफेरी के अलोंग, यहाँ पानी पूरा चिपका हुआ है चारों तरफ। यस सर। तो हम सबका वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे जब सबको समेट करोगे सबका समेशन क्या हो जाएगा? s into 2 pi r1 का cos थीटा। यस सर अंडरस्टूड थैंक यू। हाँ और आउटर वाले का क्या हो जाएगा? s into 2 pi r2 का cos थीटा। चलो सेकंड के लिए सेकंड हु कैन लाइक ओके मैं आपको कर देता हूँ। चलो सेकेंड के लिए जो है तो सेकेंड मेथड, तो सेकेंड में जो है अगेन ये ऐसा आपका ग्लास, ये ऐसा फिर यू हैव बीच वाला पोर्शन और बीच वाले पोर्शन में जो है ये सॉलिड वाला, ये सॉलिड ना भाई इसमें ये तो ये वाला हो गया तो ये तो सॉलिड वाला हो गया ना। फिर इसमें जो है यहाँ पर पानी यहाँ तक उसको इमर्स किया, ये यहाँ पे राइज कर रहा है यहाँ पर तो ये ऐसा ये राइज हो गया यहाँ तक, ये ऐसा राइज इसके चारों तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसा तो इस टाइप का शेप आ जाएगा भाई। इसका शेप जैसा कैसा होगा? इसका शेप जो है ये ऐसा उठा हुआ चारों तरफ है गाइस। हां तो यहां पर व्हेन यू ड्रॉ जैसे एक एक ये तो पानी हो गया भाई यहां पर। हां एक यहां पर एक एलिमेंट ले लो भाई, ये एलिमेंट कॉन्टैक्ट लेंस रेडियस एक मेम्ब्रेन ऐसा ड्रॉ करोगे और एक जो है इसके अलोंग जाने की कोशिश करोगे गाइस, इसके अलोंग ऐसा सरफेस के अलोंग ठीक है। तो सरफेस के अलोंग अगर हमने ये डक्ट जैसा हो गया, डक्ट मतलब आपका कैसा था स्ट्रेट डक्ट है ना उसको घुमा दिया चारों तरफ देखेंगे ऊपर तरफ कैसा होगा सर मतलब ऐसा डक्ट जैसा हो जाएगा ना। तो उसके बेसिस पे अब ये एक लाइन जब ड्रॉ करने जाएंगे यहाँ पर है ना तो वो रेडियस छोटा जो है वो वाला नीचे वाला रेडियस वैसे देखो यहाँ पर ये टेंजेंट ये वाला ऐसा ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो P axis क्या हो जाएगा S times 1 by R1 plus 1 by R2 है ना।
अब देखो एक रेडियस तो ये वाला हो गया, दूसरा रेडियस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना इसके सर्कल के परपेंडिकुलर, तो मतलब वो सर्कल ऐसा जाने लगेगा है ना, ऐसा अंदर अंदर जो प्लेन के अंदर, जो हमारा अभी जो डायग्राम है उस प्लेन के अंदर है ना, तो प्लेन के अंदर जाने लगेगा तो ऑलमोस्ट ये कैसा फ्लैट ही है वह नीचे वाला, तो एक फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट उसको उड़ा दो यार, एक का रेडियस बस, एक ये वाला रेडियस पकड़ना है, ये जो सर्कल हमें इस व्यू में जो दिख रहा है वो सर्कल। हाँ अब जो देखो ये वाला, ये डिस्टेंस टोटल यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी द डिफरेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस आर टू माइनस आर वन, लेट अस कॉल दिस एज डी, आर टू माइनस आर वन इज डी। तो अब जो है दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये वापस थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डी बाई टू ना, हाँ ये पूरा डिफरेंस डी है भाई, ये डी बाई टू। अब ये मेम्ब्रेन का आर, तो ये एक तो गया, तो बचा आर वन इज से आर, आर इज हाउ मच, डी बाई टू, डी बाई टू, दिस इज बी एक्सेस ईच ईच मेम्ब्रेन। चलो भाई चालू करते हैं, यहां से चालू किया, ये भाई पी, यहाँ केयर है भाई, जरा पी डॉट मेम्ब्रेन के नीचे आए, मेम्ब्रेन का मुंह ऊपर है, नीचे आओगे फिर प्रेशर जो है कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, P नॉट माइनस एक मेम्ब्रेन का, हाँ एक मेम्ब्रेन का कितना आया था, 2s by d, फिर नीचे आओ यहाँ तक, नीचे आके हम उसको इससे इक्वेट कर लेंगे, यहाँ तक आओ h डेप नीचे आओ, तो P नॉट माइनस 2s by d प्लस रो जी एच, अब हम उसको इक्वेट करेंगे इससे, विच इज इक्वल टू पी नॉट, यू रिमूव दिस वन, सो एच की वैल्यू, अब यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट जाएगी, सो एच की वैल्यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ एच एज, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एस बाई रो जी डी, टू एस बाई रो जी, एंड डी कौन गया, डी कौन सा, हाँ डी इज आर टू माइनस आर वन, ठीक है डी इज आर टू माइनस आर वन। अरे यार अब जो है, हाँ यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली ले लिया, ठीक है एंगल से लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़, ओके कोई बात नहीं, चलो हाँ डी तो कॉस थीटा लगना था ना हमें, चलो भाई कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, दिस डी बाई टू डिवाइड बाय आर, डी बाई टू डिवाइड बाय आर, आर विल बी डी बाई टू कॉस थीटा, so r will be d by 2 cos theta, r will be जहाँ जहाँ s 2 के साथ cos theta चिपका दो, ये cos theta चिपका दिया यहाँ पर, cos theta चिपका दिया यहाँ पर, cos theta, cos theta, अब water के लिए theta की value zero, तो आप जो है फिर वही formula जाएगा, चलो ठीक है guys। अब जो है तो ठीक है एक मिनट हाँ फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या था, दो सिलेंडर्स, फिर आपका ये बीच वाला शेप है ना, बीच वाला शेप कैसा है, देखो ये वाला जो है ना, ये ऐसा सोच सकते हो जैसे इस केस में जो हमने प्लेट्स डाला था, प्लेट डाला था, तो ये जो ऐसा है ना, ये वाला स्ट्रेट था सीधा, ये सीधा है ना, अब ये कैसा हो गया, इसी को ही आपने ऐसा घुमा दिया सोचो है ना, तो यही शेप का कैसा बनेगा, ये शेप का हमारा ऐसा पूरा घुमा हुआ राइट, तो ये ऐसा पूरा चारों तरफ ऐसे ही दिखेगा सर, कैसे भी क्रॉस सेक्शन काटोगे तो ये पूरा ऐसा घुमा हुआ। अब रेडियस निकालना है एक मेम्ब्रेन का, छोटा सा कॉन्टैक्ट लेंस प्रेस किया, सर्कल्स ड्रॉ किया, एक सर्कल तो ये वाला क्लियर है ना आर वाला, दूसरा जो है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ये लाइन जैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन जैसा, इनटू द प्लेन टेंजेंट, ठीक है यहाँ पर लाइन जैसा हो गया, रेडियस काफी ज्यादा, तो उसको उड़ा दिया आर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये वाला cos थीटा, भाई देखो ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस इज r2 माइनस r1, ये वाला r2 माइनस r1, अब जो है cos थीटा ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी उसकी हाफ, cos थीटा इज d बाई टू r, r इज d बाई टू cos थीटा, फिर यहाँ पर रखा r की जगह d बाई टू cos थीटा, फिर यहाँ से स्टार्ट किया p नॉट
मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन का मुंह ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, जब प्रेशर कम पी नॉट माइनस ये वाला 2s y मतलब s by r, r की जगह d by 2 cos थीटा, फिर यहां से और नीचे डेप्थ आओ ताकि हम लेवल पे आ जाए पानी के लेवल पे, और ये ना यहाँ पे प्रेशर p नॉट प्लस रो जी एस इज पी नॉट, यू कैंसिल दिस आउट, इससे जो है ये वाली वैल्यू आ रही है। चलो ठीक है गाइस, इसमें कोई डाउट? समर्थ सर यस, हाँ एक बार आपने वो लास्ट वाला आर कैंसिल किया समझा दो कि टेंशन कैसे बन रहा है आर का। देखो ये वाला तो समझ में आया, एक आर तो ठीक है, एक आर तो समझ आ गया हाँ, अब दूसरा आर कैसा है ये देखो, ये फ्रंट व्यू में तो हमें ऐसा दिख रहा है ऐसा है ना, अब ये पूरा कैसा होगा, इसी इसी को जो है पूरा रोटेट करेंगे हर मतलब, यहाँ भी जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा ऐसा है ना सर, तो ये जैसा हो जाएगा पूरा, हाँ ये घुमा हुआ ऐसा बन जाएगा भाई हाँ सर। टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक एलिमेंट एक कॉन्टेक्ट लेंस बना के तो एक ऐसा हो जाएगा और एक ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा हो गया ना ऐसा। ओके तो ऐसे ट्यूब के अलोंग नहीं जाएगा आर, मतलब ये पूरा ऐसा है ना अंदर ऐसा, मतलब एक ऐसा फिर नेक्स्ट व्यू में ऐसा, हाँ सर ऐसा हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला जो है वो ऐसा चले जाएगा ना ऐसा अंदर। ओ ओके समझा सर, थैंक यू। हाँ तो मतलब यहाँ पे R1 और R2 बहुत बड़ा मान रहे हम लोग, एक हाँ R2 एक बड़ा हो गया, एक R सिग्निफिकेंट हो गया भाई, मतलब डाउट है कि सर आपने D को R2 माइनस R1 से कैसे रिप्लेस कर दिया। ओ नहीं देखो अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक R2 है भाई ये वाला और ये वाला R1, तो ये बचा सेपरेशन R2 माइनस R1 करेक्ट। Yes, sir. एक बार आप फिर से वो लाप्लास में R1 R2 कैसे डिसाइड किया बताएंगे क्या? ठीक है देखो हाँ, अब ये बताओ कि एक मेम्ब्रेन का लिखना है भाई है ना। Yes, sir. तो अब जो है इसमें यहाँ पर ये फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। Yes, sir. इसके पीछे वाला सेक्शन फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा वाला ही ऐसा ही होगा। Yes, sir. और उसके पीछे ऐसा ऐसा होगा सेक्शन है ना। Yes, sir. तो इसका शेप कैसा होगा, डक्ट ऐसा सर्कुलर घुमा जैसा हुआ होगा जो ये ऐसा पूरा ना घुमा हुआ, यू अंडरस्टूड ऑल साइड्स, तो घुमा हुआ मतलब क्या बोला आपने समझे, तो इसका शेप जो है मतलब एक उसको एनालॉगस ऐसे सोच सकते हैं ना, जैसे यही वाला व्यू इसी को ही हम मान लो हर डायरेक्शन में रोटेट, मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन से देखने बोल जैसा हो जाएगा ना हेमिस्फीयर पे बोल जैसा। Yes, ये चारों तरफ ऐसे हो जाएगा। Yes, yes. अब मेम्ब्रेन पकड़ो यहाँ पर, कॉन्टेक्ट लेंस ड्रॉ करो। Yes. एक सर्कल तो ऐसा हुआ भाई। Yes, sir, वो रेडियस आर हो गया। एक रेडियस आर हो गया और दूसरा वाला जब ड्रॉ करने जाओगे वो तो ऐसा प्लेन हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमने थिकनेस और सिलेंडर काफी ज्यादा माना है ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन को टेंड कर। Yes. R2 should be R1 plus like the R2 in the expression should be R1 plus R2 by 2, right? Like, but then it's big, so we are neglecting it. Yes, yes, हाँ, वो वाला जो है काफी मतलब नहीं वो ऐसा है अन्य जैसा जो है हाँ मतलब बड़ा है और मतलब basically जो है उसका नीचे वो tangent नीचे भी जैसे triangle draw करेंगे ना तो मतलब ये duct की जैसा ये ऐसा हो गया है ना, यहाँ पर ये bending है लेकिन इस side उतना bending prominent नहीं है ना। Yes. Uh-huh. So can you like draw the circle? Is it like is it? Its center is the center of the annular tube or the or like it's in the other plane? क्योंकि उसको अगर कि draw से सोच सकते हैं donut donut के लिए। So because donut में तो अलग था because वो edge पे लिया था हम लोग ने लेंस। नहीं जैसे मैंने एक जो लाल कलर का वो भेजा था एक डायग्राम था ना एक लाल कलर का उसमें edge में लिया था the lens was edge। अब मान लो ठीक है नीचे वाले सरफेस पे लेते हैं चलो, तो मैंने guys कोई वाला वो लाल वाला एक रिंग कोई रूम पे पोस्ट कर सकता है क्या? अरब can you screen share that लाल वाला वाला part? Yes sir. वो लाल वाला जो एक ring था ना image वो मैंने भेजा था। हाँ
हाँ सर कैन यू स्क्रीन शेयर हाँ सर कुड यू वेट वन मिनट आई विल टेल यू इट्स देयर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं यस हाँ तो रेड वॉल के हिसाब से तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा ना आर हमारा अब देखो हाँ नहीं अब जो हम पॉइंट पकड़ेंगे नीचे वाला है ना तो उसमें अब जो है यहाँ पर तो मैंने एक साइड पे ड्रॉ करके दिखाया था अब जो पॉइंट लेना है नीचे लेना है यस सर एक मिनट हाँ वो शेयर कर रहा है अरे ग्रुप में उसने पोस्ट किया है यू कैन शेयर दैट वन इसको मैं बंद करता हूँ सो आई गॉट इट आई वाज मेकिंग अनदर एरर आई गॉट इट वो नीचे वाला सरफेस पे लेना है ना हां हां आई गॉट इट सर आई वाज डूइंग समथिंग एल्स थैंक यू सर ओके ओके हां हां सर वो ट्यूब सर ट्यूब से कैसे कंपेयर कर रहे थे इसको वो जो डोनट वाले ट्यूब जो है ना वे आप बोल रहे थे सर शुड आई शो यस यस आर हां एक बार आर2 वाला फिर से समझाइए ना उस हां वो एक बार आर शेयर कर रहा है हां सर इज इट दिस वन यस यस आर इसको इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं क्या इस इमेज को सर 1 मिनट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हां 1 मिनट सर आई थिंक यू कैन डू इट एक्चुअली अब देखो जो अब मैंने जो सर्कल डू इट आफ्टर डाउनलोडिंग इट डक जो है सर इज दिस ओके ओके ठीक है जैसे इसमें जो है ये वाला व्यू में ठीक है अब इसमें देखो गाइस जैसे है जो है यहाँ पर हमें फ्रंट जो दिखा वहां पर ये जो फ्रंट है देखो ये ऐसा था और ये ऐसा था और ये ऐसा ठीक है ये ऐसा है ना इसको अगर की मान लो हम इसको अगर इसी व्यू को गाइस अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये प्लेन में राई कर जाएगा ऐसा दिखेगा गाइस ये वाला ये अंडरस्टूड ये वाला ये डायग्राम जो है इसको और फिर ये जो है ये ऐसा दिखेगा ना ये मतलब जो प्लेन में अगर रोटेट करके देखेंगे तो ये ऐसा सोया होगा ये ऐसा और यहाँ पर नीचे का सरफेस ना यस नीचे का सरफेस गुड गुड नहीं हाँ तो इसका तो एक ये वाला तो ये कैसा हो गया दूसरा वाला फ्लैट है ना सर्कल दूसरा वाला सर्कल फ्लैट बन नहीं रहा वाला पूरे डोनट के अराउंड कर्ल नहीं करेगा क्या हाँ नहीं कर्ल करेगा लेकिन थोड़ा फिर भी देखोगे नीचे वाला जो है काफी उसमें कर्वेचर जो है काफी ये है ना मतलब दो मतलब उसका कर्वेचर भी देखेंगे तो दो एक तो फ्लैट भी है और कर्ल भी हो रहा है ऐसा ऐसा हो जा रहा जब लैपलेस इक्वेशन लिखा था तो उसमें आपने डायरेक्टली एस बाय आर कैसे लिख दिया तो एक रेडियस बड़ा हो गया तो वन बाय वाला आर नेगलिजिबल हो गया तो बचा एक करेक्ट यहाँ पे हम लोग जैसे डोनट का नीचे वाला पार्ट का आर टू ले रहे हैं तब वो इन्फिनिटी आ रहे वही ये इस डायग्राम में भी कर रहे हैं ना ओके सर समझ गए गॉट इट सर आप इस डायग्राम में आर वन मार्क कर सकते हो देखो ये वाला आर वन हो गया ऐसा ये वाला करेक्ट एक आर वन मान लो और एक नीचे जो डोनट का नीचे वाला फेस हो गया तो उसका रेडियस काफी बड़ा ये बड़ा सा हो जाएगा ना सा तो उसका ने फोर वन बाय आर एस टाइम्स एक काफी बड़ा हो गया तो एक ही बचा ना कृष्णा हाँ यस सर अभी अंडरस्टूड हाँ यस नील नील हाँ यस सर यस सर चलो ठीक है थैंक यू आ रहा हूँ प्लीज स्टॉप स्क्रीन सर अमरा सर थैंक यू चलो गाइस ये वाला हो गया अब आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट हाँ चल सिक्स पॉइंट भाई सिक्स पॉइंट में उन लोगों ने क्या लिया है तो उसका भी ले लिया है ना सिक्स पॉइंट में बोला है कि ऐसा नेग्लिजिबल होता है लेकिन वो उसको भी ले रखा है उन लोगों ने चलो ठीक है ये ऐसा ये मेनिस ये जो ट्यूब
कैपिलरी ट्यूब बड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें पानी यहाँ तक यहाँ से राइज हुआ और ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ वाटर के लिए ले रहे हैं गाइस। यहाँ वाटर लिखना चाहिए था सिर्फ वाटर के लिए। हाँ ये वाटर के लिए डेरिवेशन क्योंकि वाटर में क्या होगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो मिल जाएगा हमें जीरो मिलेगा तो तब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर दे हैव फाउंड इट इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली सो एक मिनट जहाँ जो है उसमें क्या इश्यू आएगा जो है जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो होगा ना तो जो है देखो अपवर्ड फोर्स तो लिख लोगे एस इंटू टू पाई आर डाउनवर्ड फोर्स mg को लिखोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g ये तो हम लेते ही थे पाई आर स्क्वायर h। हाँ ये वाला लेते थे h को तो लेते ही थे। अब ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस यहाँ पर इट्स अ टेंजेंट परफेक्ट हेमिस्फीयर तो आपको ये जो निकालना है इतना पार्ट निकालने के लिए जो है आप क्या करोगे सिलेंडर माइनस द स्फीयर सिलेंडर माइनस ये हेमिस्फीयर कर दो भाई ये सिलेंडर जिसका रेडियस भी आर हाइट भी आर तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर आर और इसका तो उठा दो भाई 2/3 पाई आर क्यूब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ये माइनस करेंगे तो ये बन गया भाई पाई आर क्यूब बाई 3 तो ये हो गया। अब मास में ये भी ऐड कर लो भाई रेडियस ऑफ द कैलोरी बहुत छोटा होता है यार हाँ इसलिए हम लोग हमेशा उसको नेगलेक्ट करते हैं ऐसे भी सॉल्व करोगे तो ज्यादा टर्म आएगा ही नहीं। यू शुड गेट आई गेस एच इज इक्वल टू 2s by rho g r माइनस r by g ऐसा कुछ आना चाहिए। ऐसे भी रेडियस ऑफ द कैलोरी काफी छोटा होता है तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि अगर दूसरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ तो उसको हेमिस्फीयर मान के नहीं कर सकते राइट। We are taking water for example because of water में हमें shape exactly पता है तो हम r by 3 exactly ले आ रहे हैं। Correct हाँ। अगर cos theta होगा वहाँ पर तो फिर sorry theta होगा angle of contact तो फिर sir हम कैसे करेंगे? यार उसके लिए तो है उन लोगों ने कहीं पे integration करना पड़ेगा integration करके करना पड़ेगा ऐसे ही बहुत छोटा है। हाँ ऐसे ही बहुत छोटा है वो तो बहुत tedious होता है पहले दूसरे सब में किया था। अगर हम एग्जैक्ट शेप भी पता नहीं लगा सकते ना उसका तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हां थीटा के लिए फिर वो हां चलो नेक्स्ट गाइस 7 पॉइंट हां क्या थीटा 0 है तो सिर्फ सिलेंडर ही रहेगा ना थीटा 0 के लिए तो हां एम स्फेरिकल यस। चलो 7 पॉइंट ये लो कॉपी करना है क्या ठीक है जल्दी कॉपी करो सर 27 से पहले हो जाएगा ये चैप्टर। हां अभी तो सिर्फ वो एक ही हमारा इसके ये पॉइंट्स बचे हैं फिर विस्कोसिटी बस। ओके सर कल भी तो लेक्चर है ना अपना। यस यस सर गाइस कल जो है हम क्या करेंगे इसका ये यहां के आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसके फिर जो है इसमें यार उसमें कुछ जो आपके बोर्ड ये बोर्ड्स में ना 12th का है ये वाला 12th के चैप्टर में आएगा 12th में आपके स्टेट बोर्ड में आएगा कुछ थ्योरी पॉइंट्स आई हैव उसमें आगे है देखो कैन यू सी उसका ये तो हम डिराइव करेंगे ना पॉइंट्स अभी तक कहां तक हुआ 6th हुआ है 7th 8th गाइस 7th 8th हम यहीं पे करेंगे डिराइव करेंगे उसके बाद जो है देखो गाइस उसमें नोट्स कुछ है ना क्या-क्या नोट्स है देखो उसमें कुछ है देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन है क्या आगे पीडीएफ में। हां सर यस सर यार ये वाला जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द फर्ग्यूसन्स लॉ जो भी है यार ये सब है नहीं लेकिन बोर्ड्स में शायद हो सकता है इसलिए मैंने वाला कलेक्ट किया। टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चंस थे एक दो बुकलेट में थे क्वेश्चंस नहीं हाँ मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज मतलब ये आना चाहिए एनसीईआरटी में शायद उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऐसा बता दिया है। हाँ और फिर उसमें एनसीईआरटी में और एक दिया है कि अगर मान लो इम्प्यूरिटीज डालते हैं ठीक है तो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज डालते हैं अगर जो सॉल्यूबल है सॉल्ट वगैरह डालते हैं
तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, इनसॉल्युबल की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। रीजन वगैरह कुछ दिया नहीं है उसने, डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्या क्या फर्क आता है विद एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में भी दो पार्ट्स में उसने कैटेगराइज किया है आपके बोर्ड टेक्स्ट बुक में, HSC के टेक्स्ट बुक में। अगर इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल लिक्विड्स है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाले भी जो है आपको वाला प्रैक्टिस करना है। फिर उसी PDF में एंड में और कुछ सम्स भी हैं गाइस, वाला भी प्रैक्टिस करना है। और ये तो ठीक है यार, बुकलेट का क्या चल रहा है, मतलब ये सब तो कर ही रहे हैं, बुकलेट में क्या स्टेटस है गाइस, कहां तक हो रहा है? हो गया सर, सिर्फ वो इलस्ट्रेशन से बाकी है। हां हां, वो सॉल्व एग्जांपल्स नहीं किया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये करते जा रहे हैं, बुकलेट ही नहीं हो रहा हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। POM का बुकलेट तो काफी छोटा है कंपैरिजन फ्लूइड मैकेनिक्स के। ओके ओके, नहीं तो क्वेश्चंस उसमें अलग से और मैंने दिए ना, HCV के भी दे रहा हूँ और ये भी दे रहा हूँ अलग से PDF, तो उसमें सब क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे ना आपके। सर एक बार आप डाउट लेक्चर आपका रखवा दो। सर HCV देखो इसमें हम अपन क्या करते हैं कि देखो इस वीक में अपन को 3 मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि इस वीक में कल भी अपन मेजर कम्प्लीट कर लेंगे, और विस्कोसिटी ठीक है छोटा है टॉपिक, हाँ तो विस्कोसिटी भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट पहले लेक्चर में हो जाएगा, तो एक दो लेक्चर हमारे पास बचेंगे उसमें अपन कर लेते हैं। हाँ ओके सर, मतलब डेफिनेटली 27 के पहले काफी टाइम लगेगा आपके पास। सर कैपिलरिटी इन पैरेलल और सीरीज भी करना है ना सर? वो तो विस्कोसिटी में आएगा ना। अच्छा ओके सर, इसके बाद वाला जो टॉपिक है विस्कोसिटी में आएगा, लेकिन उसके पहले जो है गाइस पूरा आप लोग अटेम्प्ट करके रख रहे हो जो PDF मैंने भेजा है सर? यस, PDF वाले अटेम्प्ट करके रखना। तो लास्ट हमारे दो क्लास जो रहेंगे इस वीक में, मतलब कल तो अपन ठीक है ये वाला कंप्लीट कर लेंगे ये पॉइंट्स, फिर वी विल गो फॉर दी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी थोड़ा बहुत स्टार्ट करके मंडे तक शायद हो जाए। फिर अपने पास दो लेक्चर्स जो रहेंगे उसको पूरा फुल वो कंप्लीट करना है हमें, डिस्कशन जितने भी मतलब इलस्ट्रेशंस वगैरह जो दिए हुए हैं, कुछ एक इलस्ट्रेशन टफ वाला डाला है मैंने, वो एक काफी टफ होगा। और डाउट्स कब करेंगे सर? हाँ तो अपने पास दो लेक्चर्स बचेंगे ना इसमें। अच्छा अच्छा, तो मतलब 3 लेक्चर्स में थ्योरी खत्म हो जाएगा हमारा इसमें? हाँ हाँ, 3 नहीं 2 में ही हो जाएगा ना, अभी आप 2 घंटे विस्कोसिटी छोटा है ना सर। यस यस, हाँ आप एक बार ट्यूब वाले में वापस जा सकते हो क्या? ट्यूब वाला कौन सा ट्यूब था ये, मतलब वो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, वो आपने फोटो भी दिखाया था फिर स्क्रीनशॉट। हाँ, ये वाला। तो इसमें फिर आउटर एज में कैपिटल आर आ जाएगा प्रेशर के लिए, एज में हम इनर एज के लिए स्मॉल आर आ जाएगा, और नीचे लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यस यस, एक इन्फिनिटी हो गया। और नहीं एक तो ये अलग अलग पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, एक नीचे वाले के लिए, एक एकदम आउटर एज के लिए जो आपने फोटो में किया था, और दूसरा हाँ। एकदम इनसाइड एज के लिए, तीनों के लिए फिर एक्सेस प्रेशर अलग आ रहा है ना? ओके, यू आर सेइंग कि इस पूरे इसके पूरे के अराउंड जो है ये ऐसा हर जगह अलग अलग हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, अलग अलग हर जगह अलग अलग हो जाएगा ना। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे देखो ये वाला कर्वेचर सबके लिए सेम रहेगा। हाँ सर, आई गेस वो डोनट की बात कर। हाँ वो डोनट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं हाँ, डोनट में जैसे यहाँ अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर सबके लिए सेम रहेगा, और अंदर वाला लाइन जब ड्रॉ करेंगे इन टू द प्लेन लाइन। हाँ सर, इन टू द प्लेन जब सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो लाइन उसमें ऐसे ही जाएंगी। बट सर आपने जो फोटो सेंड किया था उसमें आउटर सरफेस के लिए तो लाइन पर लाइक इसे टेंजेंट नहीं हो रही थी, वो तो पूरा इसे क्या सर्कमफेरेंस को सराउंड कर रही थी। नहीं देखो, सपोज यहां पे एलिमेंट लिया, यहां पे एलिमेंट लिया, हां कहीं भी ले सकते हो। ओके यस सर, ऐसे लिया, यहां लिया, यहां लिया, इस केस में तो हो सकता है ये उस डायग्राम को परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो लाल वाला वो तो एक उसके एक फील के लिए था ना। डायग्राम तो कैसा होगा, यही वाला जैसे ये जो है ऐसा, फिर ऐसा रहेगा, ऐसा हर जगह ऐसा टर्न रहेगा पूरा, राइट? यस सर, पूरा टर्न रहेगा। फिर आप यहाँ पर जो ड्रॉ करोगे भैया ये सर्कल, तो एक ऐसा ये तो सबके लिए सेम ही आ जाएगा ना। हाँ, वो एक आर तो सेम आ जाएगा। ये वाला ड्रॉ करने जाओगे ना तो ये उस लाइन के परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करने जाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो जाएगा, ज्यादा कर्व नहीं रहेगा, बेंडिंग नहीं रहेगा उसमें। अच्छा, तो हर जगह फिर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा इनसाइड आउटसाइड? करेक्ट। अच्छा, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा। थैंक यू सर। एक सेक्शन क्यों कंसीडर किया, लाइक लेफ्ट वाले सेक्शन को भी कंसीडर करना चाहिए ना? भाविया, यस यस, विल डिस्कस। हां भाविया, यस, हां क्या बोल रहे हो नील? हां कृष्णा,
हाँ सर, आपने लाइक सिर्फ राइट वाला सेक्शन को कंसीडर किया या फिर आपने लाइक पूरा उसको वाटर पास ऑफ होल कंसीडर किया आपने मेथड टू में? ओके, यू आर सेइंग कि इसको ये वाला मेथड टू में, हाँ इसका जो है, हाँ मतलब ये एक्चुअली ये ऐसे ही हो जाएगा हर जगह, मतलब अगर ड्रॉ करेंगे ना इस टाइप का हमें आप ड्रॉ करना पड़ेगा राइट right? जैसे यहाँ ये फ्रंट व्यू में ऐसा, इसके पीछे वाले इस पॉइंट को पकड़ो और ऐसा ड्रॉ करो, इस पॉइंट को ऐसा, इसको पॉइंट को पकड़ो ऐसा ड्रॉ करो, ऐसा हो डायग्राम में मतलब, हाँ 3D ये हो जाएगा। अच्छा सर, ओके सर, ओके गॉट इट। यस भाव्य, यस यस यस, हाँ अपन डिस्कस करेंगे ना भाव्य, वो क्वेश्चन जो है फिर भी टर्म इरोडो के ना, हाँ यस यस, इरोडो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बोला, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसको होमवर्क अभी ट्राई तो कर सकते हैं ना आप लोग, जितना हो सके ट्राई कर लो है ना, तो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा ना। कौन सा एक्सरसाइज सर? एक क्वेश्चंस मैंने टफ वाला भेजा था, एक PDF। अच्छा ठीक है सर, कर लेंगे सर। अभी आप 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या अभी? तो जो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 1, हाँ तो तभी भी 2t into 2π हो जाएगा ना। ना 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 ना, देखो 2s into 2π क्यों होगा भाई बताओ। देखो हमने कैसे लेते हैं एलिमेंट, आप यहाँ पे ये जो लाइन लिया है ना, ये लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर, ऐसा एंगल पे बनते एंगल बनते जाएगा, या एंगल ठीक है, एंगल जीरो तो वर्टिकली बनते जाएगा ठीक है। डू यू एग्री विद दिस वन? यस यस। अब ये बताओ डीएल हो गया, अब जो है फोर्स कितना हो जाएगा सरफेस का, फोर्स t into dl एक छोटे से एलिमेंट पे होगा कि नहीं बताओ। ऐसे सबका समेशन करेंगे तो अब जो है टी सबके लिए सेम है, तो भैया ये बताओ dl's का समेशन, ये छोटे 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 dl's का समेशन कितना हो जाएगा? 2π। तो क्या सर डायग्राम में अलग अलग दिक्कत है, टी कॉस टी कॉस कंफ्यूज हो गया। ओ नहीं नहीं नहीं, वो तो यार हम याद है हमने फर्स्ट प्रूफ में किया था, उन लोगों ने एंगल थीटा पे रखा था। हाँ हाँ, अरे उस फर्स्ट वाले के लिए था याद है, एसेंट वाला फॉर्मूला भाई, एसेंट वाले फॉर्मूले में उन लोगों ने क्या किया, ऐसा लिया फिर उसको ये दिखाया ऐसा है ना, ये TD है तो उसको ठीक है, अब आपको ऐसा इसमें ये हो रहा है तो उसको पूरा मत लो, DL ले लो चलो ठीक है, तो ये TDL लिखोगे और ये एंगल थीटा हो गया है ना, तो इधर आ जाएगा TDL साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा TDL कॉस थीटा ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, TDL साइन थीटा ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो सबके TDL कॉस थीटा का समेशन होगा कि नहीं बताओ? यस यस, तो इंटीग्रल ऑफ TDL cos थीटा। अब सबके लिए भाई देखो t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट cos थीटा कांस्टेंट, तो dl का समेशन होगा और dl का समेशन कितना हो जाएगा पूरे पेरिफेरी में जब लगाओगे तो 2πr ही तो आएगा, 2πrc रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इज दिस ओके? ओके ओके। एंड सर वो रेडियस r हाइट का ठीक है समझा, r है सर, सो फ्लैट सरफेस का भी r कैसे लिया आपने इसमें 6th वाले में? जय ओ यस सर, आज की क्लास का ऐसे ये टफ तो नहीं जा रहा ना 3D की वजह से, थोड़ा सा मत, नहीं नहीं सब बराबर लगा बस सर। हां हां सर, ये सर नहीं बोल, हां थैंक यू। 6th वाले में सर आप हाइट समझा कि थोड़ा आर आ रहा है सर, लेकिन वो जो ऊपर का जो सर्कुलर सरफेस इसका भी सर रेडियस आर कैसे आएगा सर? नहीं अब देखो भाई ये जो मलाई है, मलाई कहाँ चिपकी है बताओ, मलाई जो है ये ट्यूब केस के राउंड चिपकी हुई है बताओ है ना। हाँ। ये मलाई, ये मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमने ड्रॉ किया है राइट,
तो ये जो है कहाँ चिपकी हुई है, उसके पर ही मतलब उसके ऐसे साइड्स पे, तो ये साइड्स का लेंथ तो 2πr ही होगा ना, dl का सम, राइट, करेक्ट नील? हाँ यस हाँ। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि छोटा एक r भी लिया उन लोगों ने, तो सर वही तो फिर दोनों सेम कैसे हो जाएंगे सर, क्योंकि डायग्राम में जैसे देखा जाए तो r में थोड़ा डिफरेंस लग रहे हैं। ना 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 देखो उन लोगों ने नहीं नहीं देखो उसमें जो है उन लोगों ने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को वहां जीरो नहीं ड्रॉ किया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है? हाँ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो होगा ना। यस दर्शन हाउ इज द हाइट आर हियर? अरे दर्शन देखो यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट क्या था, इसको लेना था, ये अब ये परफेक्ट हेमिस्फीयर बना भाई, तो इधर रेडियस आर, ये वाला भी रेडियस आर, ये वाला भी तो आर हुआ, तो हम यहाँ तक तो लेते ही हैं भाई, इसमें हमारा कोई इशू ही नहीं था। हमें क्या करना, ये छोटा सा जो साइड में इसका निकालना था, तो उसको हमने क्या किया, इस पार्ट को कट कर लिया, सो कट करके उड़ाया यहाँ पे रखा इसको। अब ये जो है ये पूरा सिलेंडर देखो, इसका रेडियस आर, हाइट भी आर, तो पाई आर स्क्वायर एच तो हुआ, उसमें से इतना पार्ट अगर हटा देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा ना दर्शन। Is this okay? हाँ सर मैं भी समझ गया वो रेडियस के सर। यस हाँ सर वो सरफेस टेंशन में ना मुझे ना वो कभी कभी है ना वो कौन सा लेंथ से मल्टीप्लाई करना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी लेंथ से ना देखो हरी वो आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से वो हरी देखो स्टार्टिंग फर्स्ट वाला क्या बोला था हमने डेफिनेशन में पकड़ा मैं मलाई मलाई के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करो भाई लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो लाइन लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है तो लाइन खींचा हुआ मलाई है तो फोर्स ऐसा लगेगा अगर लाइन आपने ऐसा ड्रॉ किया इस लाइन पे फोर्स ऐसा लगेगा अगर लाइन ऐसा ड्रॉ किया तो इस लाइन पे फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ठीक है। okay, सर। इसके अलग अलग केसेस थे फिर ये जो हमने बबल का ड्रॉपलेट तो ड्रॉपलेट कट किया तो भाई इतना पार्ट ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम का बाउंड्री लाइन तो इस लाइन पे लाइन के परपेंडिकुलर फोर्सेस ऐसा। Understood sir, thank you. हाँ हरी you are able to solve the sums ना जिसका? Yes sir, हो गया। थोड़ा जानबूझ के मैं इसको deliberately tough कर रहा हूँ ताकि वो फिर otherwise zero वाले problem में फिर मेरे को problem हो जाएगा यार पर समझाने में मुश्किल हो जाएगा। एक दो सम बस doubt थी वो। Irudo also you have done? No not Irudo sir. Okay okay हाँ। वाला नहीं किया। Irudo किसने किया अभी तक? Adam Brian? ज्यादा बुरा नहीं पूरा फुल ऐसा नहीं डालना है ना अभी 11 तक ठीक है तुम लोग छोटे थे तो अभी एक एक चीज पे डर जाते थे अभी पूरा आपका मेन एम जेई वाला होना चाहिए ना उसके लॉन्ग रन में क्या कौन सा कहाँ घाटा मतलब हमें प्रॉब्लम कर देगा उस टाइप के सोचना है राइट। ऐसा नहीं कि टीडब्ल्यूडी से डरे डरे टीडब्ल्यूडी के लिए पढ़ रहे हैं करंट वाला छोड़ रहे हैं नो करंट वाला पूरा करते जाना है ना। सर आपका जो लास्ट एक या दो लेक्चर में आप डाउट लेने वाले हो ना उसमें आप एक बार टॉर्शनल स्ट्रेन वापस समझा सकते हो क्या? उसमें मुझे डाउट था टॉर्शनल वाला। हाँ ओहो टॉर्शनल वाला जो वो जो फॉर्मूला जो पाई आर टू पावर फोर वाला ना। हाँ लाइक वो तो हम लोग को याद ही रखना है ना अभी के लिए। हाँ बोला है था नहीं उसके क्वेश्चन नहीं है क्या सर टॉर्शनल के यार एक जगह आएगा यस एसएचएम में मैं एसएचएम में यूज होता है बस लेकिन एसएचएम में भी मैं उतना ही मेरे को उतना ही यूज है कि आपको ये आना चाहिए है एसएचएम में ना सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें टॉर्क टॉर्क इज रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। हां यस बस इतना ये आना चाहिए इससे मुझे एसएचएम में ये वाला काम मेरा तो काम बन जाएगा। यस सी इज द टॉर्शन कांस्टेंट गिवन ना ठीक है गाइस किया था
तो उसमें इफ आई टेक द लेंस एनीवेयर तो सेम ही प्रेशर आना चाहिए ना इनसाइड द डोनर. हेलो उसका मेम्ब्रेन विल बी फॉर्म्ड ऑन द कर्व सरफेस ओनली. हाँ सर बट उसका जो कर्व सरफेस उसका मेम्ब्रेन विल बी लाइक ऑल थ्रू आउट ना, वो हर जगह से एक्सपोज रहेगा एयर को. तो फिर मेम्ब्रेन तो ऑल थ्रू आउट होना चाहिए ना. मेम्ब्रेन ऑल थ्रू आउट मतलब साइड वाला पार्ट ही रहेगा ना जहाँ पे जो कर्व्ड है बल्ज आउट होता है जहाँ पर. लोअर सरफेस पे क्यों नहीं ले सकते. नहीं एक्चुअली जो हम जो करेंगे आई गेस यू आर टॉकिंग रिगार्डिंग द जैसे ये ऐसा सिचुएशन हो गया जैसे दो प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया एक वो दो प्लेट्स के बीच में उस केस में अंडरस्टूड सर जो आपने एग्जांपल किया था वो वाला समझा था. बट अगर मैंने लाइक उसको कहीं पे एक टेबल या कहीं पे रेस्ट पे रख दिया और फिर लाइक ऐसा कोई केस ले सकते हैं क्या जहाँ पे सारे सर्फेसेस एक्सपोज्ड हो एयर को. यही है तो So इसीलिए in that case we'll take just one surface so bulge out right. Correct correct yes. हाँ ठीक है okay then got it thank you sir. हाँ okay guys चलो फिर ठीक है आज इतना करते हैं. I also have a class हाँ. Bye all. Thank you sir. Bye sir thank you sir. Bye guys.